हेलो गाइस, मैं हूं नीलेश और आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ऐड व्हाट्सएप लाइव चैट टू अवर वेबसाइट। तो चलिए पहले डेमो देख लेते हैं। ये वेबसाइट हमने हमारी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में क्रिएट करी थी। अगर आप ये वीडियो भी देखना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बहुत ही सिंपल वे में हमने ये वेबसाइट क्रिएट करी थी। अब इस वेबसाइट के अंदर जो हमने व्हाट्सएप वाला फीचर ऐड किया है, ये देखिए यहाँ पे। तो जैसे ही हम करते हैं इस पर क्लिक, तो ऑटोमेटिक ये हमारे व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाता है, ये देखें। ये वाला फीचर हम हमारी वेबसाइट में ऐड कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए। ऐसे ही यूजफुल और क्रिएटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो उसके लिए गाइज, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आते हैं हमारे एडिटर में, और यहाँ पे जो वेबसाइट हमने क्रिएट करी थी कोडिंग से, तो सबसे नीचे आते हैं बॉडी टैग के पास में। और नीचे आने के बाद में यहाँ पे हमारा एक आइकन क्रिएट करते हैं आई टैग से। इसको एक आईडी दे देते हैं, यहाँ पे आईडी दे देंगे व्हाट्सएप नेम से ही। और इस आईडी को कर लेते हैं अब कॉपी। सीएसएस वाली फाइल में आते हैं और इस आईडी को करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और थोड़ा कर लेते हैं स्टाइल। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन करेंगे हम फिक्स्ड, और हमें ये बॉटम से चाहिए 5% का मार्जिन। राइट से भी कर देते हैं 5% का मार्जिन। पैडिंग ऐड करते हैं इसमें 10 पिक्सल की। इसकी फॉन्ट साइज कर देंगे हम 30 पिक्सल, और इसका कलर कर देते हैं वाइट, और बैकग्राउंड कर देंगे इसका, और बॉर्डर रेडियस ऐड कर देंगे 50% की। सेव करते हैं, आते हैं HTML वाली फाइल में और कर लेते हैं इसको कॉपी फाइल पाथ। ब्राउजर में आके करते हैं नेक्स्ट टैब में पेस्ट। ये देखिए आइकन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इसको हमें वर्किंग बनाना है, यानी इस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करते हैं 8 से, और इसके अंदर लिखते हैं देखिए https://, और war.me/, और अब इसके बाद में जो भी आपके नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर वो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया है, और इस लिंक को क्लोज कर देते हैं आई टैग के बाद में। सेव करते हैं और आते हैं ब्राउजर पे, कर लेते हैं अपने पेज को रिफ्रेश। तो अब देखिए जैसे ही करते हैं इस पे क्लिक, ऑटोमेटिक ये व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।